हेलो फ्रेंड्स, नेहाज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। ये एक इंडो चाइनीज डिश है जो बनाने में बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 16 से 17 मीडियम साइज में कटे हुए गोभी के पीस, 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्न स्टार्च, तेल तलने और पकाने के लिए 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस, 1/4 कप कटी हुई हरी प्याज, इसके हरे और सफ़ेद पार्ट को अलग रखें, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा लहसुन, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये गोभी के पीस पहले से ही धोकर अच्छे से सुखा लिए हैं। अब इन्हें चाकू से इस तरह मीडियम साइज के बराबर पीसेज में काट लें। ध्यान रहे इन्हें ज्यादा बड़े पीसेज में ना काटें, क्योंकि उससे गोभी मंचूरियन का टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं आएगा। अब सभी पीसेस कट गए हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें हम गोभी के पीसेस को कवर करने के लिए एक बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ा बाउल लें, फिर इसमें 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्न स्टार्च और 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दें। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। जब सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे इस तरह मिक्स करके एक स्मूथ और गाढ़ा बैटर बना लें। हमने पानी धीरे धीरे इसलिए डाला है ताकि बैटर ज्यादा पतला ना बने। इसका गाढ़ापन लगभग डोसे के बैटर के जैसा होना चाहिए। तो ये देखिए, हमें इस तरह का गाढ़ापन चाहिए। इस कंसिस्टेंसी के लिए मैंने लगभग 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस बैटर को अलग रख लें, इसे हम बाद में गोभी के पीसेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब गोभी मंचूरियन के लिए सॉस का मिक्सचर बनाते हैं। इसके लिए एक छोटा बाउल लें, फिर इसमें 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। मैंने यहाँ रेड चिली सॉस इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 छोटे चम्मच सोया सॉस डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को अलग रख लें, इसे हम बाद में ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब गोभी को फ्राई करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में तेल को मीडियम हाई हीट पर गरम कर लें। तेल सही से गरम है या नहीं ये चेक करने के लिए एक छोटा सा गोभी का पीस तेल में डाल दें। अगर ये इस तरह सिजल करके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब तेल तैयार है। तो अब गैस को मीडियम कर दें, फिर ये बैटर लें और इसमें कुछ गोभी के पीस डाल दें। अब इन्हें अच्छे से बैटर में कवर कर लें। और फिर इस तरह एक्स्ट्रा बैटर हटाकर इसे ध्यान से कढ़ाई में डाल दें। यहां मैंने पीसेस को ऑयल में डालने के लिए फॉर्क का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ तरीका है, लेकिन आप चाहें तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह बाकी गोभी के पीसेस को भी तेल में डाल दें।
और इन्हें लगभग 6 से 7 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई कर लें। ध्यान रहे इन्हें बीच बीच में पलटते रहें ताकि ये सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। लगभग 7 मिनट बाद गोभी का एक पीस लें और इसे इस तरह चम्मच से दबाकर चेक कर लें कि गोभी ठीक से पकी है या नहीं। अगर गोभी सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये तैयार है। तो अब इन्हें एक पेपर टॉवल पर निकाल लें ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी तरह गोभी के बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लें। तो चलिए अब गोभी मंचूरियन की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मीडियम हाई हीट पर एक पैन या कढ़ाई लें, फिर इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें कटे हुए हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा डाल दें, फिर एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें। अब इन्हें लगभग एक मिनट तक इस तरह चलाते हुए पका लें। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं, क्योंकि हम इसे मीडियम हाई हीट पर पका रहे हैं। अब ये पक गए हैं तो इसमें सॉस मिक्सचर डाल दें। और एक चौथाई कप पानी भी डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और इन्हें मीडियम हाई हीट पर लगभग 20 से 30 सेकंड तक पका लें। तीस सेकंड बाद इसमें लगभग एक चौथाई छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल दें। ध्यान रहे कि नमक ज़्यादा न डालें, क्योंकि सभी सॉसेज में पहले से ही नमक होता है। अब इसे फिर से मिक्स कर लें और फिर इसमें फ्राई करे हुए सभी गोभी के पीसेस डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ग्रेवी सभी पीसेस को अच्छे से कवर कर लें। ध्यान रहे इस स्टेप में गोभी के पीसेस को ज़्यादा ना पकाएं, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इन्हें सिर्फ तब तक ही पकाएं जब तक गोभी के सभी पीसेस अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएं। अब आखिर में इसमें थोड़े से कटे हुए हरे प्याज के हरे हिस्से को डाल दें, जो मंचूरियन को अच्छा लुक भी देंगे। अब फिर से इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद गैस बंद कर दें। अब हमारा गोभी मंचूरियन तैयार है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। गोभी मंचूरियन बहुत ही अच्छा बना है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। इसमें सभी सॉसेज अच्छे से मिल गए हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये रेसिपी बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाले पिक्चर पर क्लिक करें।